प्रत्याशी ने मंच पर खोया अपना पारा। सरेआम पुलिस कर्मियों को दे डाली धमकी। अखिलेश यादव के नक्शे कदम पर सपा उम्मीदवार। मुरादाबाद में किसी कह दिया भेड़िया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी का भड़काऊ बयान सामने आया है। सपा उम्मीदवार ने पुलिस वालों को ही धमकी दे डाली और भेड़ियों के शिकार करने की बात कही। मुरादाबाद के JIC के मैदान में रविवार को सपा कांग्रेस प्रत्याशी रुचि वीरा ने एक जनसभा को संबोधित किया और इसमें पुलिस पर आरोप भी लगाया। उन्होंने चुनावी मंच से ललकारा और कहा कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनी औकात में रहे, मैं मुरादाबाद से चुनाव जीतूंगी, भेड़िए का शिकार करूंगी। आपको बता दें, इस दौरान मंच पर सपा कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी और नेता मौजूद थे। खैर, अखिलेश यादव ने भी एक बार पुलिस को ऐसे ही कुछ अपमानित किया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि रुचि वीरा भी अखिलेश यादव के नक्शे कदम पर चल रही है। रुचि वीरा ने आगे कहा कि मुरादाबाद मेरा मायका है, बिजनौर में मेरा ससुराल है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं बिजनौर से आकर अपने मायके में चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती हूँ। आप अपनी बेटी को जिताने वाले हैं। मुझे यहाँ हर जगह भेड़िया शब्द सुनने को मिल रहा है। मैं चुनाव जीतूंगी, भेड़िए का शिकार करूंगी। एक बार आप भी पहले रुचि वीरा के पुलिस को धमकी देने वाले बयान को सुनिए। यहाँ पे मेरे सामने पुलिस अधिकारी मेरे लोगों को, समाजवादी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। मैं पहले से ही अपने आवाज में हूँ। प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में सांसद डॉक्टर ST हसन दिखाई नहीं। आपको याद होगा कि कैसे मुरादाबाद में नामांकन के वो लेकर ST हसन और रुचि वीरा दोनों आमने सामने आ गए थे, लेकिन बाद में रुचि वीरा के नाम पर मुहर लग गया। इस वक्त रुचि वीरा का ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही ST हसन को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि रुचि वीरा समाजवादी पार्टी को ये सीट दिलवा पाती भी है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।